नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी जोधपुर से और मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ जोधपुर में, आप लोग जानते हैं। और मैं आप लोगों से जनरल हेल्थ और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो है वीडियोस बनाता रहता हूँ और आपसे डिस्कस करता रहता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक जनरल हेल्थ से रिलेटेड जो है टॉपिक पे बात करने वाले, जो बहुत ही कॉमन है और मैंने देखा क्लिनिक पे जो है बहुत से पेशेंट आते हैं जो इस कॉमन सी प्रॉब्लम को लेकर आते हैं और इसको किस तरह से मतलब आप घर पे ही जो है बिल्कुल बिना कोई मेडिकेशन से ठीक कर सकते हैं। तो इनफैक्ट आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले उन लोगों के बारे में जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम घर घर में देखने को मिलती है कि साहब मुझे हर टाइम वीकनेस फील होती है, मुझे कमजोरी फील होती है, मेरे मसल्स में मुझे एनर्जी नहीं फील होती, एक टायर्डनेस फटिक रहती है। इसी तरह से बहुत से लोग कहते हैं नमनेस टिंगलिंग रहती है मेरे को पैरों के अंदर, हाथों के अंदर। कई लोग आते हैं सर मेरे क्रैम्प्स फील हो रहे हैं पैरों के अंदर, यानी वो लोग जिनको शरीर में हर टाइम कमजोरी रह रही है, थकावट रह रही है, शरीर में सुनफन रह रहा है, बिल्कुल लो एनर्जी फील कर रहे हैं, काम करने का मन नहीं कर रहा है, या अगर मन तो कर रहा है लेकिन उनके शरीर के अंदर उतना एनर्जी और स्टेमिना नहीं फील कर रहे कि वो काम जाके करें, थोड़ा सा चलेंगे मूवमेंट करेंगे तो थक जाएंगे, बिल्कुल ऐसा लग जाएगा जैसे बहुत सारा चल के आगे सीढ़ियां कहीं चढ़ रहे हैं तो थकावट, कई बार उनको जो है थोड़े से मूवमेंट से ब्रीथलेसनेस फील होने लगती है। कई लोगों के अंदर जो है ये भी होता है कि उनके मूड्स में चेंजेस होने लगते हैं, ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों के साथ में मेमोरी वीक होने लगी है, डिप्रेशन सा रहने लगा है, नींद कम होने लगी। दोस्तों, इस तरह के सिम्टम्स जो है काफी कॉमन आपको देखने को मिलेंगे और हर घर में एक दो मेंबर ऐसा मिल जाएगा जिसमें से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि यूजुअली ऐसे लोगों के अंदर जो है दो तरह के विटामिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनकी डिफिशियंसी या कमी के कारण होता है। और अक्सर मेरे पास भी जो लोग आते हैं उनको मैं कहता हूं कि अगर आपके अंदर ये सिम्टम या लक्षण है तो इसका अंदर मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर या तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी है या आपकी बॉडी के अंदर विटामिन D3 की डिफिशियंसी, जो बहुत ही कॉमन डिफिशियंसीज होती है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत से कारण हो सकते हैं, कई लोगों में लो हेमोग्लोबिन हो सकता है, कई लोगों के अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो सकती है, कई लोगों के अंदर दूसरी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है, कई बार लंबे समय तक आप बीमार रह रहे हो तो उसके कारण भी ये हो सकता है। लेकिन रूटीन में देखा गया कि मेजोरिटी ऑफ द लोगों के अंदर विटामिन B12 और विटामिन D3 की डिफिशियंसी बहुत ही बड़ा कारण है जिसके कारण उनमें ये सिम्टम देखने को मिलता है। तो अगर आपको कोई ऐसी मेजर डिजीज नहीं है कि जिसके कारण अगर आपको इस तरह की कमजोरी, थकावट और जो हमने अभी लक्षणों की बात की ऐसा सामना करना पड़ रहा है, तो जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो अक्सर आपका ब्लड टेस्ट करवाया जाता है और ये सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है और उस ब्लड टेस्ट में आपको जो है पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो रही है क्या या विटामिन D3 की डिफिशियंसी हो रही है क्या। तो और अगर इनकी कोई डिफिशियंसी होती है तो उसके अकॉर्डिंगली आपने देखा कि अक्सर आपके डॉक्टर से अगर काफी ज्यादा डिफिशियंसी है तो आपको कुछ सप्लीमेंट सजेस्ट कर देते हैं कि भाई अगर आप है इनको B12 का डिफिशियंसी है तो आपके लिए ये सप्लीमेंट है, ये आपको कुछ समय तक लेना है। अगर D3 की डिफिशियंसी है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको सप्लीमेंट सजेस्ट कर दिया जाता है कि इसको आप कुछ समय तक लें। और आप देखते हैं कि धीरे धीरे जो है आप विद इन ए मंथ ही जो है आप अपने आप को बेटर फील करने लगते हैं और अगले 2-3 महीने के अंदर आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हैं और आपको लगता है अरे यार मैं इन चीजों से इतने लंबे समय से परेशान था और मेरे को जैसे ही पता चला B12 D3 की डिफिशियंसी है मैंने प्रॉपर थोड़ा सा चेंजेस किया और मैं ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये जो डिफिशियंसी है इसको आपको अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो जरूरत है आप अपने नजदीक में डॉक्टर साहब से जाके मिले और इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट करवा ले। और अगर बहुत ज्यादा ऐसे सिम्टम्स नहीं, माइल्ड है, मैनेजेबल होता है, तो अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 और D3 की काफी ज्यादा डिफिशियंसी होती है तो आपके डॉक्टर साहब आपको सप्लीमेंट्स देते हैं और बहुत ज्यादा अगर डिफिशियंसी है तो अपने को लेना भी चाहिए जिससे तेजी से रिकवरी हो जाए। लेकिन हमारी डे टू डे लाइफ जो है, आपका जो डाइट है उसके अंदर बहुत से ऐसे फूड आइटम्स है या लाइफ स्टाइल में कुछ और दूसरे चेंजेस अगर आप करते हो तो आपकी बॉडी में विटामिन B12 और D3 की डिफिशियंसी होगी ही नहीं, जिससे आप अपने आप को हमेशा एनर्जेटिक फील करेंगे, आपको थकावट नहीं फील होगी, जैसे हम बात कर रहे थे क्रैम्प्स नहीं होंगे, नमनेस नहीं होगी, टिंगलिंग नहीं होगी, इसी तरह से फटीग, टायर्डनेस या जो आपको डिप्रेशन या मूड चेंजेस है वो फील ही नहीं होगा और अपने आपको हमेशा एनर्जेटिक फील करेंगे और आप कोई भी काम को हमेशा बेटर वे के अंदर कर पाएंगे। तो अगर हम बात करें कि विटामिन B12 का जो है क्या सोर्सेज है, यानी आप हमारी डाइट जो होते हैं उसके अंदर क्या ऐसे चेंजेस करेंगे आपको बॉडी को नेचुरल वे के अंदर विटामिन B12 मिलता रहे। देखिए, डाइट की बात करें तो विटामिन B12 का पहले हम बात करते हैं वेजिटेरियन सोर्स का। तो अगर आप एक वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो विटामिन B12 है उसके अंदर कुछ फूड आइटम्स हैं जिसके अंदर की पर्टिकुलरली विटामिन B12 आपको काफी अच्छी क्वांटिटी मिल जाता है। वो मैं अगर आपसे बात करूं तो आप जो है मिल्क यानी दूध ले सकते हैं, इसी तरह से आप पनीर ले सकते हैं, चीज ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, जो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स है इनके अंदर विटामिन B12 जो है काफी क्वांटिटी में अवेलेबल होता है और आप इसको रेगुलर अगर अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपकी बॉडी की काफी हद तक ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। उसके बाद हम बात करें तो अभी जो है काफी चीजें फोर्टिफाइड मिलने लगी है, जैसे
जैसे फोर्टिफाइड सेरेल्स यानी अनाज मिलने लगे हैं, मिल्क फोर्टिफाइड मिलने लगा है, यीस्ट मिलने लगा है, जो विटामिन B12 के लिए पर्टिकुलरली फोर्टिफाइड होता है, और उसको अगर आप लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर काफी हद तक आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। इसी तरह से कुछ दूसरे फूड आइटम्स हैं, जैसे मैं बात करूं तो बनाना यानी केला एक बहुत ही आपको आराम से मिल जाता है और बहुत ही कॉमन फूड आइटम है हमारे घरों के अंदर, तो अगर आप बनाना रेगुलर लेते हैं तो ये भी आपको बॉडी के अंदर काफी विटामिन B12 देता है। इसी तरह से वॉलनट जो होता है उसको आप ले सकते हैं, कुछ आप दूसरी चीजें ले सकते हैं, जैसे बात करें स्पाइनच यानी आप जो पालक है उसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, आप मशरूम को शामिल कर सकते हैं, आप बीटरूट ले सकते हैं, आप पोटेटो ले सकते हैं, आप एल्फालाफा भी ले सकते हैं, और एल्फालाफा की तो होम्योपैथी में सिरप भी आती है, प्रिपेरेशंस भी आती है। तो अगर आप वेजिटेरियन है तो ये जो है फूड आइटम्स है ये आपके B12 में काफी आपकी जो है बॉडी की डिमांड को फुलफिल करने में हेल्प करेंगे। और B12 का वैसे जो सोर्सेज अगर हम बात करें तो जो नॉनवेज वाले जो लोग लेने वाले होते हैं उनके लिए जो है B12 के काफी अच्छे सोर्सेज अवेलेबल है, और नॉनवेज फूड्स में इनफैक्ट B12 ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मिलता है, और उसके अंदर पर्टिकुलरली जो है आप एग ले सकते हैं, एग का जो योक है वो काफी अच्छा सोर्स इसका माना गया है। उसी तरह से आप मीट ले सकते हैं, मीट के अंदर जो है आप उसके अंदर मटन एंड चिकन ले सकते हैं, आप कई तरह की फिश भी ले सकते हैं, फिश को भी काफी अच्छा सोर्स माना गया, और फिश के अंदर पर्टिकुलरली जो टूना है, सेलफिश है, सैल्मन है, ये फिशेज जो है इसके अंदर B12 काफी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। तो ये जो है फूड आइटम्स अगर आप डे टू डे लाइफ में अपनी डाइट में रखेंगे तो B12 की डिफिशियंसी नहीं होगी, और उसकी कमी से जो सिम्टम्स आने वाले थे वो भी नहीं होंगे। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें विटामिन D3 की, D3 के क्या सोर्सेज है। देखिए जो D3 का जो बेस्ट सोर्स है वो नेचुरल सोर्स सभी के लिए है, आप वेजिटेरियन है चाहे नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन D3 का एक कॉमन जोर जो सबसे अच्छा जो नेचर ने सोर्स दिया है वो सनलाइट। ये सनलाइट के एक्सपोजर से, सनलाइट जब हमारी स्किन के जब आके टच होती है तो उसके कॉन्टेक्ट से हमारी बॉडी जो है खुद इसको D3 को बनाती है, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जो मॉर्निंग आवर्स होते हैं सुबह सुबह वाली जो धूप होती है उस धूप के अंदर आप डेली 40-60 मिनट जो है सनलाइट का एक्सपोजर ले रहे हैं, और इस तरह से बैठेंगे आपकी स्किन का जो है काफी पार्ट जो है वो डायरेक्ट उसको सनलाइट टच हो, तो आपकी बॉडी के अंदर जो है D3 की डिफिशियंसी भी नहीं होगी, या ये D3 के साथ में आपकी बॉडी के अंदर जो मसल्स है और आपकी बोन्स है उसको भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ देने वाला। लेकिन कुछ फूड आइटम्स है उनमें के अंदर भी जो है कुछ क्वांटिटी के अंदर आपको D3 मिलता है, उसमें अगर हम पहले वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करें तो अगर आप वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो आप तिल ले सकते हैं, और तिल आपने देखा होगा मेनली सर्दियों के टाइम में आता है, तो ये बहुत अच्छा सोर्स होता है आपके लिए विटामिन D3 के लिए। तिल को आप तिल के मतलब तेल भी ले सकते हैं, तिल के लड्डू वगैरह भी आप बना के ले सकते हैं। इसी तरह से जो है आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, जैसे मतलब मिल्क है, दूध है, वो आप ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, चीज आप ले सकते हैं, तो इन चीजों में भी काफी क्वांटिटी में आपको जो है बॉडी की कुछ हद तक ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। उसके साथ के अंदर कुछ फ्रूट्स भी हैं जैसे पपैया है, पपीता, वो आप ले सकते हैं, आप एवोकाडो है उसको ले सकते हैं, वाटरमेलन ले सकते हैं, आप मैंगो ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, तो ये चीजें भी जो है काफी हद तक जो है इनमें क्वांटिटी के अंदर जो D3 होता है जो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में मदद करता है। उसी तरह से कुछ और चीजें हैं, जैसे हम बात करें तो मशरूम है, स्वीट पोटैटो है, कैरेट है, साबुत जो अनाज होते हैं अंकुरित उसमें मिल जाएगा, और आपको लाल हरी मिर्च और टमाटर के अंदर भी जो है आपको विटामिन D3 बॉडी में ये भी देने में मदद करती है। उसी तरह से जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए भी कुछ और सोर्सेज हैं जिसके अंदर विटामिन D3 आपको मिल जाता है, जैसे हम बात करें तो मीट जो है उसके अंदर अगेन एक बार जो है आपकी बॉडी को काफी हद तक वो भी विटामिन D3 के अंदर मदद करता है। फिश जो है सैल्मन और टूना पर्टिकुलरली है, ये जो फिशेज है इसके अंदर भी आपको मिलता है, कोड लीवर जो है उसके अंदर भी विटामिन D3 मिलता है। तो ये विटामिन D3 कुछ हद तक जो है वेज एंड नॉन वेज सोर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया, लेकिन बेस्ट सोर्स जो विटामिन D3 का जैसे मैंने बात की वो सनलाइट है। तो मैं इस वीडियो के अंदर जो है बनाने का मेरा मकसद क्या रहा कि क्लिनिक में बहुत ही कॉमन लोग आते हैं, मतलब बहुत ही कॉमन इस तरह के पेशेंट्स देखने को मिलते हैं, सर थकावट है, कमजोरी है, सुस्ती है, एनर्जी नहीं है, मसल्स में पेन है, क्रैम्प्स है, काम नहीं कर पाते, थोड़ा सा मूवमेंट से थक जाते, तो ऐसे लोगों के लिए मेरे को लग रहा था कि मैं एक वीडियो ही बना दूं कि किस तरह से आप डे टू डे डाइट के अंदर जो है इन चीजों को शामिल करें, जिससे कि अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो भी आप ये डाइट लें तो तेजी से रिकवर हो सके, और जो लोग नॉलेज के लिए देख रहे हैं अगर वो इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो उनका विटामिन B12 और D3 जो है बॉडी में डिफिशियंसी नहीं रहेगी और हमेशा अपने आप को एनर्जेटिक पाएंगे। और फिर भी अगर बहुत ज्यादा इस तरह के सिम्टम्स है तो अपने नजदीक में जाके डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करें और ब्लड टेस्ट जरूर करवा लें, जिससे एग्जैक्टली पता चल जाए कितनी ज्यादा डिफिशियंसी है। बहुत ज्यादा डिफिशियंसी है तो हो सकता है आपके लिए कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह सजेस्ट किए जाए, और अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो आप अपने आप को मेडिसिन के बजाय जो नेचुरल डाइट और लाइफ स्टाइल से इससे रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से हेल्थ और होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियोज के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर डॉक्टर रावत चौधरी, इन दोनों पे आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह से आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे मेरे पेज यश होम्योपैथिक सेंटर को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।